सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हर इंसान तेज दौड़ना चाहता है पर दोस्तों हर इंसान तेज नहीं दौड़ पाता है, और दोस्तों रनिंग लगाने के काफ़ी सारे फायदे मिलते हैं अपने शरीर को। सो फ्रेंड्स, जिसका गोल रहता है आर्मी या पुलिस को ज्वाइन करने का, उनको दौड़ बहुत ज़रूरी होती है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ऐसे हम तकनीक लेके आए हैं जो दोस्तों आप अगर रोज़ फॉलो करोगे तो दोस्तों आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, और उसके साथ साथ दोस्तों कुछ जो आप गलतियां करते हो रोज़ वो गलतियां भी सुधर जाएंगी, और दोस्तों आपको अच्छी रनिंग और तेज़ रनिंग आप करना स्टार्ट कर दोगे। सो फ्रेंड्स, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना, बिना स्क्रिप्ट करे तभी आपको समझ में आएगा। और दोस्तों और फ्रेंड्स, अगर रनिंग लगाते टाइम पे आपकी सांस फूलने लगती है या शरीर को थका थका महसूस होने लगता है, सो फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको नहीं होंगी, क्योंकि ऐसे हम तकनीक ही लेके आए हैं। सो फ्रेंड्स, मिस्टेक नंबर वन, मॉर्निंग में आप रनिंग स्टार्ट कर देते हो पर दोस्तों अपने पूरे पार्ट को वार्म अप नहीं करते हो, इसलिए दोस्तों कुछ टाइम के बाद आपकी सांस फूलने लगती है या थका थका महसूस होने लगता है। इसलिए दोस्तों आपके पूरे पार्ट की जो मसल्स रहते हैं रिलीज नहीं हो पाती है, इसलिए दोस्तों आपको ऐसा होता है। सो फ्रेंड्स, जब भी आप रनिंग लगाएं उसके पहले वार्म अप जरूर करें। कुछ वीडियो आपके स्क्रीन पे दिख रही होंगी, इनको फॉलो करें और उसके बाद ही रनिंग स्टार्ट करें। सो फ्रेंड्स, आपकी लंबी रनिंग और तेज़ रनिंग आप कर सकोगे। नंबर टू, अगर आप मॉर्निंग में स्ट्रेचिंग करते हैं, सो फ्रेंड्स आपके मसल्स पूरे पार्ट के थोड़े थोड़े गैप बनाते हैं, तब दोस्तों आपकी बॉडी लूज होती है, तब दोस्तों आपको रनिंग लगाने में बहुत अच्छा फील होता है और आप लंबी रनिंग लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दें, अगर एक हार्ड सरिया आपको दे दे और एक नरम रस्सी दे दे और दोनों को बोलें लूज टेढ़ा करने को, तो फ्रेंड्स आप सरिया काफ़ी मेहनत से टेढ़े कर पाओगे और जो रस्सी रहेगी आप एकदम से कर दोगे, क्योंकि दोस्तों मुलायम रहती है और सरिया हार्ड रहती है। इसलिए दोस्तों जब आप मॉर्निंग में रनिंग लगाने के लिए उठते हैं तो दोस्तों आपकी बॉडी बिल्कुल हार्ड रहती है और मसल्स एक दूसरे को जकड़े रहते हैं। इसलिए दोस्तों आप जब भी मॉर्निंग में रनिंग लगाएं तो आप अपने फुल बॉडी को स्ट्रेचिंग जरूर करें, क्योंकि दोस्तों लंबी आप दौड़ पाओगे और उसके बाद सांस फूलना या थका भी आपको महसूस नहीं होगा। नंबर थ्री, ये टिप्स आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सच में आप लोग कभी ना कभी ऐसा सोचा होगा कि सही पोजीशन क्या रहनी चाहिए और अपने पैरों को कैसे सही तरीके से पटकें। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें, आप लोग जब भी रनिंग लगाएं 10 से 15 डिग्री आगे की ओर झुके रहें, और फ्रेंड्स अपनी घीच को एकदम स्ट्रेट रखनी है, और दोस्तों जब भी आप आगे की ओर झुके रहोगे तो आपको ऐसा लगेगा, ऐसा फील होगा कि हम गिरने वाले हैं, इसलिए दोस्तों आपके कदम ज़्यादा गतिमा भागना स्टार्ट कर देंगे। और आपकी पैरों की पोजीशन क्या होनी चाहिए, जब भी आप रनिंग लगाएं तभी आपको एकदम फ्लाइट अपने पैरों को पटकना है, क्योंकि दोस्तों जब आप फ्लाइट पटकोगे तो काफ़ी दूर तक लॉन्ग रनिंग आप कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको थका कम चढ़ेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप कभी किसी गोल को अचीव कर रहे हैं तब आप क्या करना है, आपको पहले शुरुआत में अपने पैरों को फ्लाइट ही पटकना है, और जब आपके नज़दीक 100 या 150 मीटर बचे तब आपको अपने पंजों के बल पूरी जोर लगा के पूरी मेहनत से पूरी एनर्जी से आपको दौड़ना है काफ़ी तेज, जिसमें आपका अचीव जो है आपका गोल जो है आपका पूरा कर सको अपना सपना। अगर पहले ही आप पंजों के बल दौड़ना स्टार्ट कर दोगे तो दोस्तों थोड़ी दूर के बाद आप थक जाओगे और अपना अचीव पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए फ्रेंड्स, जब भी आप रनिंग लगाएं तो पूरा प्लेट और प्लेन अपना पैर पहले डालें और उसके बाद ही पंजों के बल दौड़े, जब आपकी 100, 150 या 200 मीटर की दूरी। नंबर फोर, काफ़ी लोगों का मानना रहता है नाक से सांस लें या मुँह से सांस लें। जब भी आप रनिंग लगाएं तब आप कम से कम 500 मीटर तक तो अपने नाक से सांस लें, क्योंकि दोस्तों तभी आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा और लॉन्ग रनिंग आप कर पाओगे। फिर जब आप हाई क्वालिटी की रनिंग कर रहे हो तब दोस्तों अपने मुंह से सांस लें और नाक से छोड़ें। सो फ्रेंड्स, जब आप काफ़ी अपने करीब आ जाओ या चीप के और जब आपकी पूरी शक्ति ख़त्म होने लगे तब दोस्तों फिर अपने नाक से सांस लेना और फिर मुंह से छोड़ना है। इस तरह के जब आप करोगे कंडीशन तो आपको लॉन्ग रनिंग कर पाओगे और उसके साथ साथ ही आपकी ज़्यादा दूर तक रनिंग हो पाएगी और तेज़ी गति से रनिंग हो पाएगी। सो फ्रेंड्स, जब आप लोग रनिंग करें तब अपने मुंह से स्टार्ट करें। नंबर फाइव, रनिंग लगाने से पहले आपके पैर भी मजबूत होना चाहिए, नहीं तो दोस्तों लॉन्ग
रनिंग आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए दोस्तों कुछ आपके स्क्रीन पे वीडियो दिखा रहे हैं जिससे करने से आपके पैर बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे और फिर आप लंबी दूर तक रनिंग लगा सकते हैं। नंबर वन पे जो है स्क्वाट और नंबर टू पे जो है रस्सी रोपिंग या जिसे कूदना, ये एक्सरसाइज रनिंग के पहले आप कर सकते हैं। 10 मिनट तक आपके पैर काफ़ी मजबूत हो जाएंगे और लॉन्ग रनिंग आप कर सकोगे। नंबर सिक्स, आपको रनिंग लंबे टाइम तक लगाने के लिए आपके जूते भी अच्छे होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब आप एकदम टाइट जूते पहनते हैं तब दोस्तों आपके थोड़ी दूर रनिंग करते हो और उसके बाद आपका खून जो है धीमी गति में काम करना स्टार्ट कर देता है और उसके बाद आप थक जाते हैं। इसलिए दोस्तों जब भी आप रनिंग लगाने जाएँ तब अपने जूते को थोड़ा चौड़ा अपने पैर से और थोड़े लंबे लें, क्योंकि दोस्तों आप लॉन्ग रनिंग कर पाएंगे। नंबर सेवन, जब दोस्तों आप लंबी रेस लगाते हो तो आप अपने घर का जब खाना खाते हो तो पूरी मात्रा में आपको प्रोटीन नहीं मिल पाती है, इसलिए फ्रेंड्स आप क्या करें, मूंग दाल और चना और सोयाबीन के बीज शाम को भिगो दें पानी में और सुबह जब मॉर्निंग में रनिंग लगाना चाहें उसके पहले उसका पानी आप पी लें, और क्योंकि दोस्तों आपको स्टेमिना की ज़रूरत होती है और इससे स्टेमिना बहुत ज़्यादा बढ़ता है और प्रोटीन आपके शरीर को मिलती है। फ्रेंड्स जब उधर से आए रनिंग लगा के तब दोस्तों आप फ्रेश हो जाएं और उसके बाद वो चने और दाल और सोयाबीन के बीच आप चबा चबा के अच्छे तरीके से खा लें, तो फ्रेंड्स आपका स्टेमिना भी बढ़ेगा और आपकी रेस भी तेज हो जाएगी और उसके बाद आपका खाना वो भी कर लेगा। सो फ्रेंड्स अगर आप अच्छे रनिंग करना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें फॉलो करें, पेट भरने के आपकी रनिंग भी बढ़ जाएगी और स्टेमिना भी आपका ज़्यादा हो जाएगा और तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो और इससे कुछ जानकारी आप लोगों को प्राप्त हुई हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर कर देना। सो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।